They really want to connect. I want to give a message. Give me a message. Once I press a helmet. We have Queen of Wands, okay. So अभी ना मैंने ये मेरे ख्याल से तीसरी बार चेक किया है. बीच में एक बार आई फेल्ट वेरी स्ट्रांग एंड आई चेक एंड ही वॉज इन देयर. उसके बाद दोबारा आई गॉट अ मैसेज, आई चेक ही वॉज इन देयर. अभी मेरे को फिर से मैसेज आया एंड आई चेक अगेन एंड देयर ही इज. सो वी हैव अ मैसेज. और यहाँ पर मुझे अगेन इफ़ यू सी सुबह जिस एनर्जी पे वी स्टॉप्ड, दैट्स राइट देयर फ्रॉम राइट देयर, हम वहाँ से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं. सुबह ये लास्ट कार्ड था जहाँ पे हमने स्टॉप की थी रीडिंग, मतलब जहाँ पे सुशांत ने लास्ट कार्ड दिए थे वहीं से एग्जैक्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं. और यहाँ पर ये जो राइज है, ये जो स्प्लैश है, ये किसी को फोर्स कर रहा है कि वो ना सिर्फ उस जगह से जाए या उस जगह से हटे. और यहाँ पे मून में किसी का फेस दिखाई दे रहा है, तो ना सिर्फ वहाँ से जाए बल्कि जो भी चीज़ें उसने छुपा के रखी हुई हैं वो सारी चीज़ें बाहर निकाले, वो सारी चीज़ें सबके सामने आए. और वो है क्वीन ऑफ वांड्स. और यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे पेशेंस आर गोइंग टू पे ऑफ, क्योंकि पेशेंस की एनर्जी है. लेकिन छुपा हुआ, दबा हुआ, दफनाया हुआ कुछ बाहर निकलने की एनर्जी लग रही है. इट इज़ लुकिंग लाइक, यस इट इज़ लुकिंग लाइक क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी. लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ दफना के रखा हुआ है और उस दफनाई हुई चीज़ को बाहर निकालने के लिए किंग ऑफ सोट्स, उस दफनाई हुई चीज़ को बाहर निकालने के लिए देर इज़ सम एक्शन दैट इज़ बींग टेकन. तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दफन किया हुआ, जैसे ग्राउंड में कुछ गड़ा हुआ जो है ना, या पानी के नीचे कुछ छुपा हुआ, इस तरह का कुछ जो है वो मिलने के चांसेस जो हैं वो दैट इज़ हाउ आई सी दिस. दैट्स हाउ सुशांत शोइंग दिस के पानी के नीचे या ज़मीन के नीचे कुछ गड़ा हुआ जो है वो बाहर आएगा. एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्विक बिकॉज जिस तरह से कार्ड्स आए एंड इफ यू सी वो जो चीज़ बाहर आएगी, जो भी गड़ा हुआ या जो भी बाहर आएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट एनर्जी जहाँ से बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड एक्शन जो है वो डेविल की तरफ शुरू हो जाएगा, या जहाँ से बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड एक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे पार्टनरशिप्स. तो मुझे लगता है कि बैट क्वीन ऑफ वांड्स, बैट किंग ऑफ वांड्स, वो पार्टनरशिप जो है वो पूरी उसका जो भी अलट पलट खुलना है वो खुलना शुरू होगा. एंड दिस ऑल्सो लुक्स लाइक के जस्टिस की एनर्जी, मतलब कोई एक जजमेंट या कोई एक डिसीजन हो सकता है, मतलब कोई एक जजमेंट या कोई एक डिसीजन या कोई एक चीज़ जैसे फतवा जारी होता है ना, वैसे ही कोई एक चीज़ हो सकती है जिसके कारण बहुत फास्ट एक्शन हो और उसको लेकर कुछ मुझे ऐसा लगता है कि फायर या रिलीजन बेस या इस तरह की कोई बहुत स्ट्रांग एनर्जी जो है, बहुत स्ट्रांग प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है. दिस इज़ डेफिनेटली इंडिया, बहुत स्ट्रांग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. एंड वहाँ से देयर विल बी लाइक अ न्यू समथिंग न्यू मेड, मतलब कोई नया डिसीजन, कोई नया जजमेंट, कोई नया रूल, कोई नया लॉ जो है वो बनाना पड़ेगा. सो दैट प्रोटेक्ट करने के लिए, जिनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, सही चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सही एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए. और वो जो है वो बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा. हो सकता है ये बहुत स्मॉल लेवल पे हो, बहुत मेजर लेवल पे ना हो, लेकिन ये जिस भी लेवल पे होगा, इवन इफ इट इज़ स्मॉल लेवल पे होगा, ये बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा और बहुत बड़ी शिफ्ट ऑफ एनर्जी लेकर आएगा. क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक चीज़ जो है वो, कोई एक मेडल जो है वो वहाँ पे दिखा रहा है और उसको देखते ही वो एक्शन जो है स्टार्ट हो गया है, मतलब उसको गो हेड मिल गया है. और गो हेड होते ही सबसे पहले कुछ फायर एनर्जी दिखाई दे रही है, एक नई तरीके से कुछ लिखने की एनर्जी, पेंट ब्रश और डेविल दिखाई दे रहा है. जो डेविल एक्चुअली जल गया है और उसको बाहर आना पड़ा है क्योंकि स्नेक, आग लग गई है जंगल में, तो अब स्नेक को बाहर आना ही है. एंड देन वहाँ से पार्टनरशिप्स निकलती हुई या एक सेलिब्रेशन और मैजिशियन के आने की एनर्जी दिखाई दे रही है. सो दिस इज़ लाइक ही इज़ गिविंग दैट एनर्जी दैट जो प्रोसेस है तो वो तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो आगे कैसे कैसे करवट लेगा, दैट इज़ प्रॉब्ली व्हाट ही इज़ गिविंग ऑलरेडी. ओके सो कार्ड्स जिस तरह से, सॉरी थोड़ा बाहर शोर होगा. एंड उस तो 2 मिनट पहले ना वो चल रही थी, ड्रिल मशीन चल रही थी, एंड प्रॉब्ली दैट इज़ वाई ही डिडंट कनेक्ट. इज़ लाइक टू मच नॉइज़, मैं अपनी बात नहीं बोल पाऊँगा. एंड अभी पता नहीं क्यों ड्रिल मशीन बंद हो गई 2 मिनट के लिए. एंड ही कैन से व्हाट ही हैज़ टू. सो दिस इज़ अ डिसीजन मेकिंग, दिस इज़ फॉर श्योर अ डिसीजन मेकिंग. और ये अनाउंसमेंट जो है जजमेंट की, ये किसी जुडिशरी से रिलेटेड अनाउंसमेंट हो सकती है, पास्ट का कोई केस हो सकता है, लेकिन ये एक नई बिगिनिंग या एक नया, मतलब चार्ज में सिचुएशंस को लेना जो है ना, किस तरह से लिया जाए वो, उस तरह से उस चीज़ को लेकर ये होगा. हो सकता है कि एम्प्रेस से
कनेक्टेड हो सकता है कि कहीं एम्प्रेस की एनर्जी उसमें कनेक्टेड हो सकता है कि जो बैड एम्प्रेस है उससे रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो उसमें आ जाए, हो सकता है बैड एम्प्रेस से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो जो उससे रिलेटेड हो। और लेकिन दिस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब ये जो छपाक, जो ये छपाक एनर्जी है ना, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सम पीपल हैव ऑलरेडी लाइक दैट वॉकिंग एनर्जी, लाइक कुछ लोग वॉक कर रहे हैं और वॉक अवे कर रहे हैं या टूवर्ड्स समथिंग। मुझे पूरी तरह तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन दिस माइट हैव टू डू समथिंग विद जो कांग्रेस का शुरू हुआ है। आप आवाज़ सुन सकते हो अब, जो भारत जोड़ो अभियान, जोड़ो तो क्या है वो, पर फिर भी सो कॉल्ड जोड़ो अभियान उससे रिलेटेड हो सकता है। बट इट इज़ लुकिंग लाइक इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग आउट समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये हो सकता है कि उसके बीच में ही कोई एक्शन जो है वो हो जाए जो बहुत तगड़ा वाला हो। ब्लेस्ड की एनर्जी है, 22 की एनर्जी 4 बनता है। ओके, आई एम रेडी टू टेक आउट वन मोर। सो आई थिंक दैट इट इज़ टाइम टू काउंट योर ब्लेसिंग। और वो लोग जो अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हैं और जिनको लग रहा है कि ब्लेसिंग काउंट कर रहे हैं, इन द सेंस हु थिंक दैट दे आर बियॉन्ड लॉ, दे आर बियॉन्ड रूल्स, दे आर बियॉन्ड रेगुलेशंस, इट इज़ टाइम फॉर देम टू सी दैट रूथ। सो What is the second card with this? Okay, sorry guys for my okay. So 15 number hai, message in the bottle, and it is saying that you're there, pay attention, क्योंकि जो लोग जो लोग अपने आप को अलग तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, कुछ दिखाने की, कुछ सुनाने की कोशिश करेंगे, वो जाने अनजाने में कुछ ऐसे मैसेजेस दे देंगे, कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस दे देंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल चेंजेस लेकर आने वाली हैं और बहुत पावरफुल प्रॉब्ली बहुत मीनिंगफुल भी होने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू हियर समथिंग फ्रॉम समबडी। सॉरी गाइज फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस, कांट हेल्प इट। मैंने बोला घर पे कुछ काम चला है तो ओके, सो आई कैन सी हिम हियर, बट इट इज़ लुकिंग लाइक ये सारी चीज़ें जो है ना किसी बहुत बड़े एक्शन को जन्म देने वाली हैं या बहुत बड़ा एक्शन जो है उसके थ्रू होने वाला है। एंड आई डू सी द एम्प्रेस एनर्जी वेरी वेरी स्टेबल, एंड आई डू सी द एजेंसीज टेकिंग एक्शन और ट्रैवल एनर्जी वेरी स्टेबल। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत जो सुबह का वो हुआ था उससे एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। तो जो सुबह का स्टेप था, वो छपाक जो था, उससे हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। एंड ये जो स्टेप आगे है, दिस माइट बी अ मेल समबडी हु विल से समथिंग, और वहाँ पे कोई हिडन मैसेज या कोई हिडन कम्युनिकेशन मिल जाए। तो पे अटेंशन, जो भी लोग जो भी भाषण दे रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, ये भी हो सकता है कि कोई कुछ बोले, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा मानकर कोई कुछ बोले और उसकी वो बात उसके बहुत अगेंस्ट चली जाए। सो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन एक कम्युनिकेशन जो बहुत बड़ी फायर लेकर आएगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। एंड हाँ, एक कम्युनिकेशन जो बहुत बड़ी फायर लेकर आएगी, ये नुपुर शर्मा की तरह ही कुछ हो सकता है। तो ये दिस कैन बी फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सन ऑल्सो, जो एक 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 लाइन बोले और वो लाइन जो है बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। और दिस कैन बी फ्रॉम अ नेगेटिव पर्सन, जो एक लाइन बोले और वो लाइन बहुत सारी रिवलेशंस लेकर आए। तो वो दोनों में से किसी भी तरह से हो सकता है। बट येस, एनर्जीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये दिस इज़ 5 5 10 और दिस इज 11, सो दिस इज 10 and 11, 14 होता है 5 5 5 10 and 11, एंड दिस इज 5 6 7 8, सो टोटल 10 की एनर्जी फिर से बनती है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइज, बाय बाय।